नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज हम हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए काफ़ी लेटेस्ट खबर लेके आए हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मिनिमम वेतन 26,000 और ट्रीटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर और पुरानी पेंशन बहाली पर एक बार फिर कर दिया है बड़ा ऐलान, सरकार के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद में जो उनके परिवार को चलाने वाला वो जरिया होता है वो एक पेंशन ही होता है। पेंशन के द्वारा ही वो अपने आगे का जीवन है वो अच्छे से व्यापन कर सके, उसी को लेकर लगातार हमारे कर्मचारी और पेंशन भोगी संघर्ष कर रहे हैं। हम भी हमारे इस चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर 5 साल का जो सांसद विधायक है वो पेंशन का हकदार हैं, तो जो 54-55 साल नौकरी करने के बावजूद भी एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन का अधिकार क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में 9 नवंबर से पेंशन सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली चुनावों से ठीक पहले पुरानी पेंशन बहाली की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी 9 नवंबर से दिल्ली में पेंशन सत्याग्रह की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इस पेंशन सत्याग्रह का आयोजन 9 नवंबर यानी कल से किया जाएगा। दोस्तों, इस पेंशन सत्याग्रह में मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से हजारों कर्मचारी शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब विधायक, सांसद, मंत्री, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, आयोग के सदस्य को सरकार भी आज भी पुरानी पेंशन दे रही है जो सिर्फ अल्पकालीन सेवा के लिए ही आते हैं, तो देश के अर्धसैनिक बलों और 30-35 साल तक सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं। तो इसी को लेकर पेंशन सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा कल से। अगर आप भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें और अपना ओपिनियन जरूर दें। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर भी हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 10 सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन की तरफ से एक जनरल स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा दोस्तों 8 जनवरी 2019 से। हाँ दोस्तों, सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की तरफ से, चाहे वो टेलीकॉम के हो, सेंट्रल, स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कोल माइंस, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, सभी की तरफ से 8 जनवरी को हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की पेंडिंग डिमांड जैसे मिनिमम वेतन इंक्रीज और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना और पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन ऑप्शन 1 का जो मुद्दा है उसको हल करना, जो भी हमारे चार्टर ऑफ डिमांड है उसको लेकर इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो हड़ताल होने जा रही है उसमें देश भर के लगभग 200 मिलियन वर्कर्स शामिल होने वाले हैं। दोस्तों 8 जनवरी 2019 को एक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा ट्रेड यूनियन की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने सभी साथियों के साथ में इसको शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।